इन 12 राज्यों में 90,000 लगभग 90,000 समूह की महिलाओं को कृषि सखी बनाया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी बहुत ही जल्द। 30,000 लगभग कृषि सखियों को प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं, नई अपडेट आई है 90,000 बहनों को लेकर के। इसके पहले मैंने अब 30,000 बताया था, अब ये नई अपडेट के मुताबिक 90,000 बताया जा रहा है। इसके साथ चलिए वीडियो में आपको अपडेट बताते हैं, अपडेट क्या आई हुई है, वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लें। 30,000 कृषि सखियों को सम्मानित करेंगे पीएम मोदी, कृषि कार्यों में मदद के लिए 90,000 महिलाएं पाएंगी ट्रेनिंग। तो लगभग 30,000 महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है, सम्मानित कर दिया गया है। और लगभग 12 राज्यों में 90,000 महिलाएं को ट्रेनिंग दी जाएगी और कृषि सखी के रूप में उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि 30,000 महिलाओं को रखा जाएगा, तो 30,000 महिलाओं को फाइनली सम्मानित करके उन्हें प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। अब जो अपडेट आई है उसके मुताबिक 90,000 महिलाओं को नौकरी दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, और ट्रेनिंग बहुत ही जल्द इनके शुरू होने वाली है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनको सौंप दिया गया है प्रमाण पत्र वगैरह, और मैंने वीडियो अभी 2 दिन पहले बनाई थी उसमें, कल या परसों में बनाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी गए थे और वहीं से उन्होंने डायरेक्ट सौंपा था महिलाओं को। और स्वयं सहायता समूह की 90,000 महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर कृषि श्रमिकों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर चलाई जा रही कृषि सखी योजना पर इस योजना का उद्देश्य के बारे में बताया है, और ताकि वे कृषक समुदाय की सहायता कर सके और अतिरिक्त आय हासिल कर सके। 12 राज्यों में 34,000 से अधिक कृषि सखी, अब तक टारगेट 70,000 में से 34,000 से अधिक कृषि सखियों को गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय जैसे 12 राज्यों में पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। सरकार कृषि क्षेत्र के लिए 100 दिवसीय योजना तैयार कर रही है, जिसमें किसानों के कल्याण और देश में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया जा सके। तो यही छोटी सी अपडेट हमें आपको देनी थी कि अभी 90,000 कृषि सखियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ ही इन्हीं जिलों में या इन्हीं राज्यों में ट्रेनिंग मिलेगी चरणों में, और कई चरणों में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और कृषि सखी के रूप में रखा जाएगा, नौकरी दी जाएगी स्वयं सहायता। अगर आप सभी को यह जानना है कि कृषि सखी को मानदेय कितना मिलता है, तो जो अपडेट आई है उसके मुताबिक 4,000 से 6,000 रुपये तक इनको मानदेय दिया जाएगा, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आप लोगों तक सूचना ज़रूर पहुंचाएंगे। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो।